हे माय बटरफ्लाई, कैसे आप सब? गुड। आपके सवाल देख लिए जाएं। दी, क्या कोरिया का सरकार के पॉप को अपना कंट्री का डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहा है? मतलब बाकी जहां बिजनेस को अपना कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहा है, कोरिया क्या के पॉप को अपना कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहा है? प्लीज़ आंसर टू माई क्वेश्चन। लव यू टू हनी। के पॉप के अलावा दूसरे देशों की यानी सभी देशों की म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत पैसा कमाती है, आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा। तो उनका टैक्स पे करना, ये तो बनता है। सिर्फ BTS से ही साउथ कोरिया की इकोनॉमी को 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फ़ायदा हुआ था। 4.9 बिलियन डॉलर। और सिर्फ इसीलिए साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने अपने मिलिट्री के नियम रूल्स चेंज कर दिए थे। अकॉर्डिंग टू कोरियन मिलिट्री सर्विस, 18 से 28 साल के कोरियन बॉय को मिलिट्री सर्विस करना ज़रूरी है। पर सिर्फ BTS की वजह से कोरियन गवर्नमेंट ने एज 28 साल के बजाय इसको बढ़ा के 30 ईयर कर दी, क्योंकि जिनकी एज 28 ईयर्स हो गई थी और गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि जिनको पनिशमेंट मिले या वो अभी मिलिट्री सर्विस के लिए जाएं, क्योंकि इस टाइम पर BTS के सॉन्ग डायनामाइट तहलका मचा रहा था। अकेले डायनामाइट सॉन्ग ने, सिर्फ डायनामाइट सॉन्ग ने 1.43 बिलियन डॉलर की कमाई की, और BTS ने सिर्फ डायनामाइट के ही 40 परफॉर्मेंस की। 40। इसलिए गवर्नमेंट ने जिनको बर्थडे गिफ्ट दिया मिलिट्री सर्विस के रूल चेंज करके। इसके अलावा बाकी के पॉप आइडल को मिलाकर 9.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फ़ायदा साउथ कोरिया की गवर्नमेंट को पहुंचता है। और जैसे जैसे के पॉप दुनिया भर में छा रहा है, साउथ कोरिया की इकोनॉमी भी बढ़ रही है। आइडल पर्सनली टैक्स पे नहीं करते, मतलब म्यूज़िक वाला एज ए आर्टिस्ट के तौर पर जो टैक्स पे होता है वो पर्सनली नहीं पे करते, वो कंपनी के थ्रू होता है। इसके अलावा जो एड्स होती है, टूरिज्म वगैरह का पैसा, वो भी गवर्नमेंट के पास जाता है। तो टैक्स तो हर इंडस्ट्री या बिजनेसमैन को देना ही पड़ता है, ये सही बात है। पर बुरा तब हो जाता है जब गवर्नमेंट उन्हें पर्सनली यूज़ करती है सिर्फ अपने नाम के लिए, जैसे जो जम्बूरी फेस्टिवल अभी हुआ था। गवर्नमेंट ज़बरदस्ती आइडल को कॉन्सर्ट के लिए कहती है। मतलब अगर कोई आइडल फ्री है तो वो कर रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आइडल बिजी है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उस पर गवर्नमेंट प्रेशर डालती है। BTS का बुसन कॉन्सर्ट एक्सपो फेस्टिवल 2022 में बुसन में होना था, तो गवर्नमेंट ने BTS को कॉन्सर्ट करने को बोला। बुसन गवर्नमेंट ने कहा था कि कॉन्सर्ट का सारा पैसा गवर्नमेंट देगी, इसलिए कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया कि बुसन कॉन्सर्ट फ्री होगा। लेकिन एंड टाइम पर गवर्नमेंट ने हाइप कंपनी को बोला कि उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो पैसे नहीं दे पाएंगे। फिर बिग हिट ने एड्स कंपनी को बोला, एड्स वगैरह सैमसंग, हुंडई, फिला, इन सब कंपनी के एड के साथ ये बुसन कॉन्सर्ट पूरा हुआ। कॉन्सर्ट में सिक्योरिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। BTS ने लाइव में कहा भी था कि लोग दब रहे थे, उनके पास जाने का प्रॉपर रास्ता नहीं था। सिक्योरिटी बुसन गवर्नमेंट की तरफ से होनी थी, ये काम भी गवर्नमेंट ने प्रॉपर नहीं किया। गवर्नमेंट ऐसे आइडल को यूज़ करती है, ये गलत बात है। कभी कभी उन्हें कोई भी शो या कॉन्सर्ट के लिए कह देती है, लाइक आज ये फेस्टिवल है इसके लिए कॉन्सर्ट करो, आज वो फेस्टिवल है उसके लिए कॉन्सर्ट करो। कभी कभी लगता है आर्टिस्ट गवर्नमेंट, कंपनी और रियलिटी शो के बीच फंस गए हैं। ओके देन, फिर मिलते हैं। टेक केयर, सी यू अगेन।